हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया ड्राइंग, और उस ड्राइंग का नाम है रूबिक्स क्यूब। तो उसके लिए आपको एक स्केल और एक HB पेंसिल, नहीं तो एक सिंपल पेंसिल बहुत नेसेसरी है। स्केल की वजह से आपको ये ड्राइंग अच्छी दिखेगी। तो हम लोग इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप कीजिए तो ये ड्राइंग आ जाएगी। और मेजरमेंट्स लेना मत भूलना। तो अभी इसमें एक कर्व्ड स्क्वायर्स ड्रॉ करो। तो गाइस, इसकी आउटलाइनिंग करना बहुत नेसेसरी है। तो यहाँ इसकी आउटलाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है ये कैमलिन का थिन परमानेंट मार्कर। तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ अलग टाइप का मार्कर। इसके बाद आपको जो कलर्स पसंद है वो आप इसमें डाल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा ड्राइंग यहाँ रेडी हो गया है। तो जैसा आप देख ही सकते हैं यहाँ हमारा क्यूब। तो आप जिधर मैंने ब्लू यूज़ किया है आप उधर रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लू यूज़ किया है, मेरे से थोड़ी यहाँ गलती हो गई। तो यहाँ उसके बाद पेंसिल से मैंने इधर शेडो यूज़ किया है जिससे ये थोड़ी रियलिस्टिक दिखे। तो ये मैंने मेरे उंगली से इसको स्प्रेड कर दिया है और यहाँ हम लोग की ड्राइंग रेडी हो गई है। तो अभी अगर आप फ़ोन से इसको देखेंगे तो ये लगेगी ऐसे कि एक रूबिक्स क्यूब उड़ रहा है। तो आप इसको ट्राई करिए, आपको समझ आएगा कि एक बहुत अच्छा सा ड्राइंग है। ओके, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है।
तो उसको ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको इसको और रियलिस्टिक बनाना है तो आप ऊपर के साइड को कट कर सकते हैं, जैसा मैंने वो लास्ट ऑप्टिकल ड्राइंग में किया था, तो वैसा करने से ये ड्राइंग और भी रियलिस्टिक लगेगी। वो आप अकेले में कर सकते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ इतना ही किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, ताकि दूसरों को भी ये आर्टवर्क दिखाई दे। बाय बाय।